आप टीवी पर खूब सारे प्रोडक्ट्स की एड देखते होंगे और उनमें से कई प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल भी करते होंगे। यहाँ तक कि अपने बालों के कलर आदि के लिए आने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ढेरों एड भी आप देखते होंगे। वैसे तो हर प्रोडक्ट्स के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, यही वजह है कि लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदने लगे हैं। हर्बल उत्पाद भले ही केमिकल वाले उत्पादों की तुलना में थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उनमें रिएक्शन या फिर उससे होने वाले नुकसानों की संभावना कम होती है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका आप पर उल्टा असर होने लगे तो क्या होगा? एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें रिएक्शन की वजह से एक महिला के चेहरे का आकार ही पूरी तरह से बदल गया। ये घटना फ्रेंच की 19 साल की लड़की के साथ हुई जिसे सर में हेयर कलर लगाना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल एक हेयर ड्राई प्रोजेक्ट की वजह से लड़की को ऐसी एलर्जी हुई कि उसका पूरा चेहरा बल्ब की तरह सूज गया। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका उसको जरा भी अंदाजा नहीं था। ये खबर फॉक्स न्यूज के जरिए पता चली है जिसमें बताया गया कि लड़की ने बालों में PPD नाम के केमिकल लगाने की वजह से उसे एलर्जी का शिकार होना पड़ा। इस तरह का केमिकल आमतौर पर बालों को कलर करने वाले प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। लड़की ने बताया कि उसने पहली बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया था। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे में सूजन के बाद सर में बेतहाशा जलन होने लगी। दर्द के लिए लड़की ने दवाइयां भी ली जिसका असर उस पर नहीं पड़ा। आपको बता दें पहले उसके सिर का आकार 22 इंच था जो बाद में बढ़कर 24.8 इंच का हो गया था। बाद में उस लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगी जिसके बाद उससे एड्रेनालाइन का शॉट भी दिया गया। इस शॉट का इस्तेमाल बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए किया जाता है जिसके बाद सूजन कम हो गई।